हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है नताशा ने, तो थैंक यू सो मच नताशा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आप नीचे दिए गए मेल पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो नताशा और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। ये बचपन से ही दिल्ली में बड़े हुए हैं, साथ ही रहते थे हमेशा नताशा का बड़ा भाई, उसके मॉम डैड। बट अब जो जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे धीरे धीरे आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती है। नताशा के बड़े भाई को भी ऐसे ही एक बार अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए दिल्ली छोड़ना पड़ा था और वो जाता है पुणे में। सो वो पुणे में ही जाकर शिफ्ट हो जाता है। नताशा का भाई भी अपनी फैमिली से कभी ऐसा बहुत दूर नहीं रहा था, हमेशा साथ ही रहते थे। ये हमेशा मतलब अपनी बहन के साथ रहता था और खूब खेला करते थे आपस में, बहुत अच्छी मेमोरीज थी इन सब की आपस में। तो नताशा हमेशा अपने भाई को बहुत मिस किया करती थी। बहुत बार इन्होंने प्लान बनाए, कभी भाई बोलता था मैं दिल्ली आ जाता हूँ, कभी नताशा बोलती थी मैं पुणे आ जाती हूँ, बट प्लान ही बनते थे, कभी कभी मिल नहीं पाते थे, कभी कोई बिजी तो कभी दूसरा बिजी, तो यही चलता रहता था। एंड फाइनली नताशा की जब थोड़ी सी उसे छुट्टियाँ मिलती हैं तो वो डिसाइड करती है कि अब जो भी हो मैं पुणे में जाकर अपने भाई से मिलकर आऊँगी। तो ऐसे ही डिसाइड हो जाता है। नताशा अपने भाई को बोलती है कि भैया मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। भाई बोलता है कि ठीक है, मैं भी अभी थोड़े दिन फ्री हूँ तो तुम आ जाओ, अपन मिलते हैं बढ़िया से। तो नताशा बोलती है ठीक है, मॉम को बताती है। मम्मी थोड़ी सी टेंशन में होती है कि तुम अकेली जा पाओगी ना, फ्लाइट से जाना है ये सब। नताशा कन्विंस करती है कि मम्मी कोई बात नहीं, मैं आराम से चल जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, फिर आपकी मर्ज़ी है। अब नताशा फ्लाइट बुक करती है और सीधा पुणे पहुँच जाती है। अब नताशा 7:30 बजे के अराउंड पहुँच जाती है, बट जो नताशा का भाई होता है वो एकदम से बिजी हो जाता है क्योंकि कॉलेज का उसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। तो वो बोलता है बहन मैं अभी तेरे को पिक करने तो नहीं आ सकता, तो एक काम कर मैं तेरे लिए पूरा होटल वोटल पूरा बुक कर देता हूँ, तू वहाँ पे जा आराम से रुक, मैं तेरे को अगले दिन आके मिलता हूँ। क्योंकि आज मैं बस मतलब वो काम ही ऐसा होता है कि वो मतलब भाई कुछ भी करे वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो बस नताशा बोलती है कोई नहीं भाई तू आराम से कर ले, मैं अभी थकी हुई हूँ, तो तू होटल बुक करेगा, मैं वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, अगले दिन अपन मिलते हैं आराम से। तो ऐसा ही डन हो जाता है। अब नताशा एयरपोर्ट में ही होती है, 8:05 को नताशा की कैब आ जाती है जो कि बुक करी होती है उसी के भाई ने, और वो आती है, वो होटल में छोड़ देती है नताशा को। अब नताशा होटल में पहुंच जाती है, बट भाई ने मतलब बुक तो किया होता है, बट अब बुकिंग में क्या होता है ना, कभी कभी तुम बुक तो कर लेते हो बट जब वहाँ एक्चुअल में पहुँचते हो तो पता चलता है कि यार वहाँ पे तो रूम ही अवेलेबल नहीं है। और ऐसे ही नताशा के साथ होता है। नताशा उस होटल में पहुँचती है और होटल वाले कहते हैं कि सॉरी मैम, अभी एक ही रूम था, वो अब भी आपसे पहले कोई आके ले गया, तो अब कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है, आई एम रियली सॉरी। अब नताशा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि अब 8:45 हो रहे हैं रात के, उसका भाई भी कॉल नहीं उठा रहा है क्योंकि भाई ऑब्वियसली कुछ काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो वो फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा था। और अब नताशा को समझ नहीं आ रहा अब क्या करा जाए, कि नताशा बस खड़े होकर बस टेंशन में है। कि तभी एक जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फिर आती है नताशा के पास और कहती है कि सॉरी मैम, हमसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, एक्चुअली आपने पहले बुक करा हुआ था, वो बुक ही था, मतलब वो रूम हमने नहीं दिया किसी को, हमने बाकी रूम्स दे दिए थे, बट हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमें लगा था कि सारे रूम्स ऑलरेडी बुकड है, बट आपका रूम अभी भी खाली है तो आप वहाँ पर जा सकती हैं। ये सुनकर नताशा काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच, आप मुझे बता दीजिए किस रूम में जाना है तो मैं वहाँ चले जाऊँगी। सो नताशा सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देती है जो भी उसे मतलब आधार कार्ड ये सब देना होता है, साइन वाइन करने होते हैं, सब कर देती है। और होटल वाले भी बोलते हैं कि मैम आप एक्चुअली काफ़ी लकी है क्योंकि ये इकलौता आखिरी रूम था, इसके बाद कोई भी रूम खाली नहीं है, मतलब 2-3 दिन तक खाली नहीं है, तो आप लकी हैं। नताशा पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपने रूम में चली जाती है। अब नताशा का जो रूम होता है वो होता है 6th फ्लोर में। नताशा रूम में जाती है, दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही एंटर करती है वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, फ्रेगनेंस किसी तो किसी परफ्यूम टाइप की। तो वो सर्विस बॉय से पूछती है कि ये किस चीज़ की है, जिसको सर्विस बॉय पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपना काम करके चले जाता है। अब ठीक है, नताशा वहाँ रूम में बैठ जाती है। वो फ्रेगनेंस एक्चुअली काफ़ी अच्छी सी होती है, उसे लगता है कि शायद कोई रूम फ्रेशनर या कुछ होगा जो कि नॉर्मल होटल्स में होता है, तो उसी की होगी है। बट जैसे अब नताशा बैठी है ना, थोड़ी ही देर होती है, लाइक आधा ही घंटा होता है, कि वो जो खुशबू होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है और धीरे 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 वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नताशा को लिटरली सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे तो करके पूरी खिड़कियाँ विड़कियाँ सब कुछ खोलती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फ्रेगनेंस कम होती है। और अब नताशा रूम के बाहर आ गया क्योंकि उसके लिटरली नाक में वो इतनी चढ़ चुकी है कि उसका सर दर्द हो रहा है इस पूरी खुशबू की वजह से। अब रात के 10 बज गए और नताशा डिसाइड करती है कि चलो मैं डिनर करके आ जाती हूँ। अच्छा, ये डिनर ये सब भी होटल में ही
मतलब अवेलेबल था जितने भी इनके कस्टमर्स थे सबके लिए। तो नताशा बोलती है ठीक है मैं होटल में ही नीचे जाकर कुछ खा पी के आ जाती हूँ। अब नताशा जैसे ही लिफ्ट में है तब उस लिफ्ट में उसे दो और लड़कियाँ मिलती हैं और कोइंसिडेंटली वो दोनों लड़कियाँ भी दिल्ली से ही होती है। वो पुणे में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है तो तीनों में कनेक्ट हो जाते हैं कि अरे वाह दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो आपस में बातें करने लग जाते हैं। और जब तक ये नीचे पहुँचते हैं डाइनिंग हॉल तक तब तक ये थोड़ी बहुत बातचीत अच्छे से हो जाती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि एक ही जगह साथ बैठ के डिनर करते हैं। तो अब ये तीनों आपस में बैठे हैं डिनर करने लग रहे हैं कि तभी ना नताशा को फिर से वो खुशबू आती है जो उसे अपने रूम में आई थी। नताशा यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो देखती है कि एक और लड़की होती है जो कि मतलब डाइनिंग हॉल में होती है और वो खुशबू उसकी साइड से आ रही होती है। मतलब वो जैसे जैसे नताशा के पास आ रही है वो खुशबू बहुत तेज हो रही है। अब वो जो लड़की होती है वो नताशा के जस्ट साइड वाले टेबल में बैठ जाती है और वो बैठ के बस इन तीनों को घूरे जा रही है, ऐसे मतलब ऐसे बैठी हुई है और घूरे जा रही है सिर्फ। और यही चीज़ जो बाकी दो लड़कियाँ होती है वो भी नोटिस करती है। जो बाकी दो लड़की होती है उनका नाम, एक का नाम प्रेरणा होता है और एक का नाम आश्वी होता है। तो ये दोनों भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि वो लड़की घूरे जा रही है। तो वो उसको भी ऑफर करते हैं कि आप भी आके हमारे साथ ही बैठ जाए, हमें ज्वाइन कर लें। तो ऐसे ही होता है, जो वो तीसरी लड़की होती है जो साइड में बैठी होती है वो आती है और वो इनके साथ बैठ जाती है। अब वो जो तीसरी लड़की होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम ईशा होता है। तो अब सब आपस में बातें कर रहे हैं, सब आपस में बोलते हैं कि कौन से फ्लोर में किस किस का रूम है। तो जो पहली दो लड़कियाँ होती है प्रेरणा और आश्वी, उनका रूम भी सिक्स फ्लोर में ही होता है। इनफैक्ट जो नताशा का रूम है उसके जस्ट बगल वाले रूम उन दोनों के होते हैं। अब ये पूछते हैं ईशा तुम्हारा रूम कौन सा है, तो वो बोलती है मेरा भी सिक्स फ्लोर पे ही है। और ऐसी बात चलती है तो ये जो बाकी दो लड़कियाँ होती है वो पूछती है कि ईशा तुम यहाँ पर कब आई हो। जिस पर ईशा बताती है कि उसने तो अभी कुछ लाइक 15-20 मिनट पहले ये पूरा रूम बुक किया और वो बस सीधा मतलब यहीं आई है, अब सीधा डाइनिंग हॉल में आई है क्योंकि उसे अर्जेंटली रूम चाहिए था, तो उसने बस बुक करके अब सीधा यहीं आ गई है। तो ये चीज़ नताशा को थोड़ी सी खटकती है क्योंकि नताशा को अच्छे से याद होता है कि जो जब मैंने बुक किया था तो मुझे बोला गया था कि आप लकी हो, आप एक इकलौता रूम बचा था वो आपका है और इसके बाद कोई भी रूम बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लाइक फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो ईशा को कहाँ से मिल गया। वेल वो ये थोड़ी बात नताशा के दिमाग में घूम रही होती है, बट नताशा फिर इस बात को मतलब इग्नोर कर देती है कि ठीक है जो भी होता होगा, अब ये लोग नॉर्मली खाना खा रहे हैं। अब ये लोग कुछ इस टाइप से बैठे होते हैं, प्रेरणा और आश्वी मतलब इधर सामने बैठे हुए हैं, नताशा यहाँ और उसके साइड में ईशा। और जब ये खाना खा रहे हैं ना तो ईशा बार बार अपने ऐसे फिंगर से ऐसे धीरे धीरे टच कर रही है मतलब नताशा को। नताशा को बड़ा ऑकवर्ड सा हो रहा है कि भाई ये क्या कर रही है, और मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइप से रिएक्ट करूं। अब ये लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और ठीक है अब अपने अपने रूम जा रहे हैं। दोनों चारों सिक्स फ्लोर में पहुंचते हैं, जो प्रेरणा और आश्वी होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो अब बसते हैं ईशा और नताशा। अब नताशा अपने रूम को खोल रही है तो देख रही है ईशा साथ में है, तो नताशा पूछती है कि ईशा तुम्हारा रूम कौन सा है, जिस पर ईशा एक वियर्ड सी स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है और वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लग रही है, मतलब जो स्टेयरकेस है उससे ऊपर जा रही है। नताशा सोचते हैं कि मैं इसका पीछा करूंगा, थोड़ा सा देखूं, पता नहीं क्यों उसका मन कर जाता है। नताशा जाती है 2-3 स्टेप्स मतलब लेती है वो ईशा का पीछा करने के लिए ऊपर की साइड जो स्टेयर्स होती है, कि एकदम से ना उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, उसे एकदम से डर सा लगने लग जाता है। नताशा बोलती नहीं भाई छोड़ मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नताशा भागती है और सीधा अपने रूम में जाकर गेट बंद कर देती है। अब जब नताशा रूम में एंटर करती है जो फ्रेगनेंस उसे बहुत स्ट्रांग आ रही थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई होती है, कोई फ्रेगनेंस का नाम नहीं होता। तो नताशा वहाँ रुकती है थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप होती है फिर सोने लग जाती है। अब जब वो सो रही है ना तो करीबन रात लाइक लेट नाइट हो रही होगी, करीबन 1-1.5 बज रहे होंगे कि तब फिर से एक बार नताशा को वो खुशबू आती है, वही सेम खुशबू, वही उतनी ज़्यादा स्ट्रांग। और नताशा को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो नताशा का नाम पुकार रहा है, लाइक नताशा नताशा इस टाइप से उसके नाम पुकार रहा होता है कोई। वेल पहली बार जब नताशा बुलाते हैं तो वो ऐसा नॉर्मल सुन के हटा देती है, बट जब सेकंड टाइम उसे बुलाया जाता है तो वो उठ जाती है। सो जैसे सेकंड टाइम में उठती है वो एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो आवाज़ है ये तो ईशा की है, और जिस साइड से आ रही होती है वो नताशा के रूम की खिड़की होती है, विंडो। तो वो एकदम ऐसे पीछे की साइड देखती है, मतलब विंडो की साइड देखती है, तो वो देखती है कि नताशा विंडो के बाहर ऐसे खड़ी है। नताशा का जो रूम था वो 6th फ्लोर पे था, वहाँ किसी का भी खड़ा होना इम्पॉसिबल है, और वहाँ पे ईशा ऐसे एकदम खड़ी हुई है, लाइक उसके पैर वैर नहीं दिख रहे, वो सिर्फ इतनी दिख रही है, इतनी, क्योंकि वो विंडो से ही दिख रही थी तो इतनी सी ही दिख रही थी,
और वो बड़ी अजीब सी स्माइल नताशा को देख रही है। नताशा बहुत ज़्यादा डर जाती है देखकर। नताशा चिल्लाती है और तब ईशा तीसरी बार नताशा बुलाती है। अभी तक तो वो प्यार से बुला रही थी, दो बार उसने प्यार से बुलाया था, नताशा नताशा, बट ये तीसरी बार वो चिल्ला कर बुलाती है एकदम जोर से, और साथ में बहुत 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 गंदी सी स्माइल दे रही होती है। लाइक इतनी इविल स्माइल नताशा ने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। नताशा ने लिटरली ईशा की आंखों में आंखें डालकर देखा था और वो एकदम सन्न हो गई थी। लाइक एकदम जैसे होता नहीं एकदम फ्रीज हो जाते, वो वैसे हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अपना ब्लैंकेट लेती है, पूरी जोर से ओढ़ लेती है और हनुमान चालीसा बोलने लग जाती है। वो बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे जितनी उसमें जान है वो उतनी ज़ोर से बोल रही थी, वो सुनाना चाहती थी ऐसा लगता था ईशा को, कि मैं हनुमान चालीसा बोल रही हूँ, मेरे आगे पीछे मत आओ, मेरे आगे पीछे मत आओ। और वो बस रिपीट करे जा रही है, हनुमान चालीसा बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। एंड फाइनली नताशा तब तक हनुमान चालीसा बोलती है जब तक सुबह नहीं हुई होती, जब तक उसकी आंखों में वो सूरज की किरणें नहीं पड़ती, जब तक उसे लगता नहीं कि अब सेफ है, अब मैं बाहर आ सकती हूँ, तब तक उसने हनुमान चालीसा बोला। लिटरली 5 से 6 घंटे तक नताशा ने हनुमान चालीसा ही बोली थी, और बस वो इसी फॉर्म में थी, वो ना हिल रही है ना कुछ, वो बस ऐसे ऐसे है, उसने कंबल दबा के रखा और बस हनुमान चालीसा बोले जा रही है। जैसे ही सुबह होती है नताशा सीधा अपने रूम से भागती है, सीधा आशवी और प्रेरणा के रूम में जाके जोर जोर से खटखटाती है। वो दोनों बाहर आती है और उन दोनों का भी सेम नताशा जैसा हाल हुआ है, पसीने पसीने, उनके भी रोने जैसी शक्ल हो रही है, एकदम डरी हुई और वो बोल भी नहीं पा रही। अब ये तीनों एक जगह बैठती है और नताशा ने बताती है कि कल रात को ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जिसे सुनकर जो सामने वाली दो लड़कियां होती हैं वो बोलती है कि सेम चीज़, एग्जैक्ट चीज़ उन दोनों के साथ भी हुई थी और सेम ही टाइम में हुई थी। अब ये तीनों जाके होटल स्टाफ से इस बारे में बात करती है, जिस पे होटल स्टाफ सीधा मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप सब पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा हमें बोल रहा है, तो आप कोई प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ, या तो आपको कुछ ऐसा ही पता नहीं, अब आपने रात में कुछ ले लिया होगा, दारू वारू पी ली होगी जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा हमारे होटल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। इवन जो होटल स्टाफ होता है वो एंट्री भी दिखाता है कि जो लास्ट एंट्री थी वो नताशा की थी, कोई ईशा नाम की लड़की नहीं थी, किसी ने उसके बाद एंट्री नहीं ली, कुछ भी नहीं, जिस पे ये तीनों और ज़्यादा डर जाती है। अब नताशा जल्दी से अपने भाई को कॉल करती है और पूरी चीज़ें बताती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। भाई भी एकदम भागा भागा आता है कि भाई क्या ही हो गया बहन के साथ। भाई आता है और गाड़ी में उसको तो बिठाता है, साथ में जो दो लड़कियाँ होती हैं उन्हें भी बिठाता है कि भाई तुम भी चलो यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। अब ये तीनों जब छोड़ के जा रहे होते हैं तब वहाँ पे जो गार्ड होता है ये एक बार गार्ड से भी बात करके देखता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पूरी चीज़ें बताता है, जिस पे जो गार्ड होता है वो इनको बताता है कि इस होटल में पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, एक दो फैमिली के साथ हुए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एक स्पिरिट है जो कि 3 बार आपका नाम लेती है, और अगर आपने पहले 2 नाम लेने पर रिएक्ट नहीं किया और 3री बार नाम लेने पर रिएक्ट किया तो आपको मार भी सकती है। वेल, इस चीज़ में नताशा लकी थी, उसने सेकेंड टाइम में रिएक्ट कर दिया था, एंड आई गेस जो बाकी गर्ल्स थी उन्होंने भी सेकेंड या फर्स्ट टाइम में ही रिएक्ट कर दिया था। वेल, नताशा का बताना है कि वो एक दिन अपने भाई के साथ रहती है बट अगले दिन दिल्ली चले जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा, और सेम ही हालात जो बाकी दो लड़कियाँ होती हैं उनके भी होते हैं, तो ये जाते वक्त अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है एक दूसरे से। और फाइनली जब नताशा दिल्ली पहुँचती है, उसके एक हफ्ते बाद की बात है, जब नताशा को कॉल आती है, उसको कॉल आती है जो बाकी दो लड़कियाँ थी ना उनमें से एक प्रेरणा थी, प्रेरणा की कॉल आती है और वो बोलती है कि उसे मिलना है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। नताशा भागी भागी जाती है उस हॉस्पिटल में, और वही जो तीसरी लड़की होती है आशवी वो भी आती है। तीनों मिलकर जब बैठते हैं तो प्रेरणा बताती है कि उसको दिल्ली वाले घर में भी ईशा दिखाई दी थी और वो सेम ही तरीके से दिखाई दी थी, घर के बाहर वाली विंडो से वो प्रेरणा 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 बुला रही थी, और इसी वजह से ही प्रेरणा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। सो गाइस, ये थी नताशा की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड अगर आप सबको कोई मैसेज देना हो नताशा को तो ज़रूर दीजिए। मेरा मैसेज ये है कि अगर हो सके तो प्लीज़ जाके आसपास के पंडित जी को दिखा दें, और या फिर जो भी जिसको भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है आप प्लीज़ उन्हें जाके दिखाएं, क्योंकि अगर प्रेरणा के साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। मतलब मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बट बस एक छोटी सी एडवाइस है कि दिखाने में कोई हर्ज नहीं होता, तो प्लीज़ आप एक बार जाके दिखा दें, एटलीस्ट मंदिर हो आए, मंदिर में जाइए, वहाँ पर माथा टेक दीजिए, एंड बाकी तो फिर भगवान जी तो है ही। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय,
एंड टेक केयर, एंड वंस अगेन अपनी छोटी छोटी स्टोरीज जो आपके पास हॉरर स्टोरीज है अपनी 50-60 वर्ड्स की, वो आप नीचे कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं हम सबके साथ।